टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट को जानने के लिए इस लाल बटन को दबा के गैबी फेलो को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो और ये आपकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। मतलब आप जब भी देखो आपके आसपास कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होगा, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करने वाले दोस्तों आपके डे टू डे लाइफ के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, जैसे कि हो गई आपकी वॉच या फिर दोस्तों हो गया आपका स्मार्टफोन या फिर हो गए आपके टैबलेट्स। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जब भी कोई नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस टाइप का खरीदते हो तो वहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है, या जब भी आप ऑनलाइन रिसर्च करते होगे तो दोस्तों आप एक टर्म के थ्रू जाते होगा। टर्म होता होगा IP68, IP67, ऐसे कोई रेटिंग होती होगी और दोस्तों वहाँ पे ये मेंशन किया होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये IP67 प्रोडक्ट है, ये वाटर रेजिस्टेंट है या फिर ये वाटर प्रूफ है, ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कि क्या होता है बेसिकली ये कोडिंग, कैसे डिफाइन होता है ये कोडिंग और कहाँ से आते हैं दोस्तों ये कोडिंग, और इसके थ्रू आप कैसे समझ सकते हैं कि एक जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके पास उसको आप पानी में कितनी देर तक रख सकते हैं, किस किस कंडीशन में आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को यूज़ कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गैबी आपका फेलो और आज हम बात करने वाले हैं इसी टेक्नोलॉजी के बारे में और इसी IP67 या 68 या फिर IP के आगे कोई भी रैंडम नंबर जो होता है उसकी रेटिंग के बारे में। तो चलिए करते हैं दोस्तों सीधी बात सुनने बकवास। ये जो कोडिंग है ये दोस्तों डिफाइन होती है IEC बॉडी, जो एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन। और ये बॉडी जो है दोस्तों ये डिफाइन करती है और ये जज करती है दुनिया के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको ये डिफाइन करती है और ये बताती है कि वो जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो किस हद तक पानी में या किस हद तक किस किस एनवायरमेंटल कंडीशन में सस्टेन कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो कोडिंग होती है, सबसे पहले हम उसको ब्रेकअप करते हैं। तो कोड क्या है दोस्तों, आपने सुना होगा IP67, 68, 69, मतलब ऐसा कोई रैंडम नंबर होता है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली चार कैरेक्टर होते हैं यहाँ पे, एक होता है आई, दूसरा होता है पी, उसके बाद दोस्तों होता है नंबर वन, उसके बाद होता है नंबर टू। तो यहाँ पे हम ब्रेकअप करते हैं इसको दोस्तों। तो जो सबसे पहला जो होता है आई, उसका मतलब होता है इंग्रेस, इंग्रेस का मतलब होता है दोस्तों एंट्रेंस। उसके बाद होता है दोस्तों दूसरा कैरेक्टर जो होता है पी, पी को बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रोटेक्शन। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा कैरेक्टर होता है वो होता है एक नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है और जाता है 6 तक। और बेसिकली ये जो तीसरा कैरेक्टर है दोस्तों ये डिफाइन करता है कि पर्टिकुलर कोई गैजेट है वो सॉलिड मटेरियल से कितना खुद को बचा सकता है। तो सॉलिड मटेरियल की बात करें तो दोस्तों वो हो सकता है डस्ट, वो हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट, वो हो सकता है आपका हाथ, आपकी पेंसिल, आपका वायर, तो मतलब ऐसी कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जो दूसरे सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर घुस के उसको नुकसान पहुंचा सकती है उसको डिफाइन करता है वो तीसरा कैरेक्टर। और बात करें दोस्तों चौथे कैरेक्टर की, तो वो स्टार्ट होता है 0 और वो जाता है दोस्तों अप टू लेवल 8 तक, उसके आगे भी जा सकता है लेकिन अभी तक जो मैक्सिमम गया है वो गया है लेवल 8 तक। और वो डिफाइन करता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो पानी के अंदर कितना सस्टेन कर सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से बन जाता है ये पूरा कोड, मतलब कि IP67 को अगर हम फॉर एग्जांपल डिफाइन करें तो ये हो गया इंग्रेस प्रोटेक्शन, जिसमें वो लेवल 6 तक डस्ट प्रूफ है और लेवल 7 तक वाटर प्रूफ है। तो यहाँ पे बेसिकली डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ नहीं है, इसको हम बोलेंगे डस्ट रेजिस्टेंट या फिर वाटर रेजिस्टेंट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आईपी की स्टोरी हो गई खत्म। अब जान लेते हैं कि ये जो नंबर होते हैं ये कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं। तो अगर हम बात करें तीसरे कैरेक्टर की, मतलब कि जो डस्ट रेजिस्टेंट वाला नंबर होता है, तो वो दोस्तों स्टार्ट होता है नंबर 0 से। तो 0 का मतलब होता है दोस्तों कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसमें कोई भी बाहर से कोई भी एलियन मटेरियल जो सॉलिड मटेरियल है वो एंटर कर सकता है और उसको डैमेज पहुंचा सकता है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है लेवल 1। लेवल 1 का मतलब क्या है कि आप कोई मोटा सॉलिड मटेरियल नहीं जाएगा लेकिन वहाँ पे आप एक फिंगर घुसा सकते हो, फिंगर जा सकते हो और फिंगर की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसका नुकसान हो सकता है। उसके बाद दोस्तों लेवल 2 आता है। लेवल 2 मतलब कि आपका फिंगर नहीं जाएगा, आप वहाँ पे पेंसिल जा सकती है। तो कोई ऐसा गैजेट है जिसके अंदर आपने पेंसिल घुसा दिया और उसकी वजह से वो डैमेज हो गया, तो वो हो गया लेवल 2 तक की प्रोटेक्शन। और ऐसे ही दोस्तों ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से स्टार्ट होता है और ये जाता है दोस्तों अप टू लेवल 6 तक। लेवल 6 मतलब क्या होता है दोस्तों, जो लास्ट लेवल होता है लेवल 6 मतलब कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसके अंदर डस्ट या फिर कोई भी सॉलिड मटेरियल बिल्कुल भी नहीं घुस सकता, आप किसी भी कंडीशन में उसको रखोगे। तो देखिए वाटर रेजिस्टेंट स्टार्ट होता है लेवल 0 से और ये जाता है लेवल 8 तक, अभी मैक्सिमम लेवल 8 तक ही गया है। तो देखिए 0 मतलब क्या है कि वो बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं है, उस पर हल्की हल्की बूंदें पड़ गई तो वो बच सकता है। लेवल 1 मतलब थोड़ा कम प्रोटेक्टेड है, लेवल 2 मतलब और कम, लेवल 3, 4, 5, 6। तो देखो ऐसे चलता जाता है और फिर दोस्तों आ जाता है लेवल 7। दोस्तों आप पानी के अंदर जितना जितना नीचे जाओगे
उतना ही ज़्यादा प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पे ही बात आती है कि कोई भी चीज़ वॉल्टेड प्रूफ नहीं होती है, क्योंकि वॉल्टेड प्रूफ आप तभी क्लेम कर सकते हो जब आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो गैजेट है, वो जितने भी नीचे चले जाए पानी के, वहाँ पे कोई भी उसको नुकसान नहीं आना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा कोई गैजेट नहीं है, क्योंकि पानी के नीचे आप जितना जाओगे दोस्तों वहाँ पे जो प्रेशर है ATM वो वहाँ पे इंक्रीज होता जाता है, और उसकी वजह से जो आपका प्रोडक्ट है या जो गैजेट है उसके अंदर पानी घुसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों आखिरी लेवल की, मतलब IP68 मतलब आठवें नंबर की, तो आठवें नंबर का मतलब ये होता है कि दोस्तों आप अपने डिवाइस को पानी के अंदर लेके जा सकते हो। डिस्टेंस जो होगा नीचे का वो होगा दोस्तों अप टू 1.5 मीटर तक, और आप आधे घंटे तक किसी डिवाइस को पानी के नीचे उतनी देर तक रख सकते हो और उसके अंदर पानी घुसने की चांसेस जो है वो बहुत कम है। तो दोस्तों ये होती है सारी कहानी यहाँ पे IP रेटिंग की, मतलब कि ये जो चार कैरेक्टर होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि जो भी आप गैजेट खरीद रहे हो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वो कितने लेवल तक डस्ट से बच सकता है और कितने लेवल तक पानी से बच सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होती है टेक्नोलॉजी और कैसे काम करती है यहाँ पे IP रेटिंग। तो आप फ्यूचर में आगे कोई भी गैजेट खरीदते हो और उस पर जो रेटिंग लिखी है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप डिसाइड कर सकते हो कि आप उस प्रोडक्ट को पानी के अंदर लेके जा सकते हो या कितना डस्ट में रख सकते हो। तो इसके साथ ही दोस्तों हम करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म, और मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ बता दिया है आपको IP रेटिंग के बारे में। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए नमस्कार।